वैष्णवी मैकडोनाल्ड। जी हाँ, यही असली नाम है इनका। वैसे तो इनका पूरा नाम है वैष्णवी महंत मैकडोनाल्ड, लेकिन आप और हम इन्हें गीता विश्वास के नाम से जानते हैं। आप 90 के दशक में अपना बचपन गुजार चुके किसी भी इंसान से ये नाम पूछकर देख लीजिए, वो झट से एक ही जवाब देगा, शक्तिमान वाले गीता विश्वास। वैसे भी शक्तिमान के अधिकतर किरदारों को लोग आज भी उनके असली नाम से बमुश्किल ही जानते हैं। किस्सा टीवी आज आपको दूरदर्शन के सबसे मशहूर टीवी शोज में से एक रहे शक्तिमान का बड़ा किरदार रही गीता विश्वास यानी वैष्णवी मैकडोनाल्ड की जिंदगी का किस्सा बताएगा। हम जानेंगे कि इन दिनों वैष्णवी मैकडोनाल्ड कहाँ हैं और क्या करती हैं। वैष्णवी का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1974 को मुंबई में। इनके पिता एक वैष्णव ब्राह्मण थे और माता ईसाई थी। पिता ने ही इन्हें वैष्णवी नाम दिया था। इनकी माता के ईसाई होने के चलते इनके पिता के परिवार की इनकी माता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मजबूरी में वैष्णवी के पिता ने इन्हें और इनकी माता को हैदराबाद भेज दिया। इनके बचपन का काफी समय हैदराबाद में ही बीता। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं पर हुई थी। बाद में अचानक इनके पिता ने इनकी माता को खर्च भेजना बंद कर दिया और जब काफी समय ऐसे ही बीत गया तब मजबूरी में इनकी माता इन्हें और इनकी बहन को लेकर इनके पिता को तलाशने मुंबई आ गई, लेकिन इनके पिता और उनके परिवार की कोई जानकारी इन लोगों को नहीं लग पाई। एक दिन मुंबई में ही इनकी माँ निराश होकर एक चर्च में प्रार्थना करने गई। तब पहली दफा वहां इनका झुकाव ईसाई धर्म की तरफ हुआ। उसके बाद वैष्णवी ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और ईसाई धर्म को जानना शुरू कर दिया और फिर हिंदू संस्कारों में पली बढ़ी वैष्णवी और उनकी बहन ने ईसाई धर्म अपना लिया। वैष्णवी महज 14 साल की थी जब इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई थी। वैष्णवी ने सन 1988 में रिलीज हुई रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म वीराना में जैस्मीन के बचपन का किरदार निभाया था और पहली ही फिल्म में वैष्णवी ने बड़ी ही कमाल की एक्टिंग की थी। इसके बाद वैष्णवी नजर आई थी सन 1994 में रिलीज हुई अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म लाडला के एक आइटम सॉन्ग में। यह आइटम सॉन्ग भी बड़ा हिट रहा। फिर वैष्णवी ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि मैदान जंग, बम्बई का बाबू, दानवीर, बरसात की रात, बाबुल, माता, सांचा, सुपर नानी, राजा अब्रोडिया और दोस्ती के साइड इफेक्ट्स। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी 2019 में आई हंसा एक संयोग। वैष्णवी ने साउथ की भी कुछ फिल्मों में काम किया है। वैष्णवी ने अपने टीवी करियर की शुरुआत की थी सन 1998 में शक्तिमान से और यही वो टीवी शो है जिसने वैष्णवी को भारत के घर घर में लोकप्रिय कर दिया था। कहना चाहिए कि भले ही शक्तिमान से पहले वैष्णवी ने कुछ फिल्मों में काम किया हो, लेकिन किसी भी फिल्म ने इन्हें वो मुकाम नहीं दिया जो शक्तिमान ने इन्हें दिया। शक्तिमान के शुरुआती कुछ एपिसोड्स में किट्टू किडवानी गीता विश्वास के रोल में नजर आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते किट्टू किडवानी ने शक्तिमान छोड़ दिया और फिर मुकेश खन्ना ने गीता विश्वास के रोल के लिए वैष्णवी को कास्ट किया। वैष्णवी को लोग उनके असली नाम से नहीं बल्कि पत्रकार वैष्णवी के नाम से जानने लगे। इस रोल में लोग वैष्णवी को कितना पसंद करते थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शक्तिमान के आखिरी कुछ एपिसोड्स में गीता विश्वास के किरदार को हटाया गया तो लोग शो के मेकर्स को खत लिखकर गीता विश्वास के किरदार को फिर से लाने की मांग करने लगे। शक्तिमान ने वैष्णवी को भारत में एक सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। दूरदर्शन पर 1998 में ही प्रसारित हुई टीवी सीरीज मैं दिल्ली हूँ के एक एपिसोड में ये पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका संयोगिता के किरदार में भी नजर आई थी। वहीं जी टीवी की सैटरडे सस्पेंस नाम की एक हॉरर सीरीज के भी दो एपिसोड्स में ये नजर आई थी। वैष्णवी ने ढेरों टीवी शोज में काम किया। इन्होंने छूना है आसमान, टशन है इश्क, ये उन दिनों की बात है, सपने सुहाने लड़कपन के, कसौटी जिंदगी की, एक लड़की अनजानी सी, मिले जब हम तुम, दिल से दिल तक, देखो मगर प्यार से,
वह और भी कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है। साल 2000 में सहारा टीवी पर आए शो राजू राजा राजा साहब में एसीपी रत्ना के किरदार में भी लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया था। बात अगर वैष्णवी की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने लेस्ली मैकडोनल्ड से शादी की है। इनके पति कौन हैं और क्या करते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कई दफा कई जगहों पर ये दावा जरूर किया जाता है कि लेस्ली मैकडोनल्ड से इनका तलाक हो चुका है। सच क्या है इसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता। लेस्ली मैकडोनल्ड से इनकी एक बेटी है जिसका नाम है मार्गरेट मैकडोनल्ड। वैष्णवी अब भी टीवी पर एक्टिव हैं और ए मेरे हमसफर और शादी मुबारक नाम के शोज में काम कर रही हैं। किस्सा टीवी वैष्णवी को और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देता है और शक्तिमान में उनके शानदार काम के लिए उनको सैल्यूट करता है। जय हिंद।